बंद रेड बैंक चाय बागान के श्रमिकों ने चाय बागान खोलने सहित चाय बागान में हो रहे जंगली जानवरों के हमले को देखते हुए जंगल की सफाई के मांग को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग घंटों तक अवरुद्ध रखकर जमकर धरना प्रदर्शन किए। प्रशासन द्वारा बारी बारी अवरोधकारियों से बंद को खोलने के लिए बातचीत किया जा रहा था, लेकिन चाय श्रमिक किसी भी हालत में अवरोध नहीं उठाने की बात कर रहे थे। अवरोधकारियों का मन था कि जल्द से जल्द बंद चाय बागान को खोला जाए और जंगल से ढका हुआ चाय बागान को साफ कर दिया जाए ताकि खूंखार जंगली जानवरों से चाय श्रमिकों को सुरक्षा हो। रोड जाम की कारण ले गर्दा खेरि हो बगान गाला देख्नु भएको छ र कति वटा समस्या छ बगानमा। बगान बन्द पहिलेसँग परिरहेछ, जंगल बेसी भएर हात्तीले मान्छे भइरहेछ, दिन दाडे बाघहरू आएर बाख्राहरू लगिरहेछ, कसरी बस्ने हामी यसरी? बन बगान केही व्यवस्था छैन। हामी चाहन्छौँ यही, हामीको बगान इमिडिएटली खुल्जोस् र अहिले इमिडिएटली बगान चाहिँ सफा हुनु पर्छ। बगान सफा प्लस हामीलाई बगानको लागि केही न केही एउटा व्यवस्था ल्याउनै पर्छ। बहुत साल पर्ख्यौँ हामी प्रशासनबाट, के कस्तो आश्वासनहरू पाउनुहुँदैछ जङ्गल सफा गरिदिन्छु, अझै प्रोसेस चलाउँदैछ चलाउँदैछ तिमीहरूको मान्छेसँग बात भएको छ भन्दैछ, हामी मानेको छैन। हामी डिएसको फाइनल बात नसुनिकन बगानको के हुन्छ त्यो नसुनिकन हामी उठ्दैन। तपाईँहरूको फाइनल कुरा चाहिँ के हो? फाइनल कुरा हाम्रो यही हो, बगान सफा गर्नु मेन उद्देश्य, प्लस बगान हामी भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ आज हम लोग का यहाँ पे रोड जाम करने का सबको मैंने टोटल मजदूर मिल के एक उद्योग लिया। इसका कारण बेसिकली यही है कि मतलब हमारे बगान में बंद बगान है, विगत मोटा मोटी 16-17 साल से बगान बंद है, मगर प्रशासन को हम लोग बहुत बार बोल चुके कि बगान खोलना पड़ेगा। फिर अभी तो बगान में बहुत जंगल हो चुका है, उस जंगल होने के कारण यहाँ पे हाथियों का बसोबास हो गया, हाथी बाघ तो मैंने बहुत सा। तो बीते शुक्रवार को हमारे महिला कर्मचारी लेडीज 7 आदमी गए थे बगान में, तो 7 आदमी में से 2 आदमी को हाथी ने हमला किया। हमला करने पर 1 आदमी का तो यही देहांत हो गया और 1 इंजर्ड है, अभी हॉस्पिटल में है, तो उनका भी कोई उपचार सही ढंग से नहीं चल रहा है। उनके पति भी है, उनके बारे में बात भी किया गया वीडियो साहब से, हम बार बार करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीडियो साहब को उनका उपचार कोई विचार करें। और हम लोग का बगान मतलब जंगल, वो लोग बोल रहे हैं कि जंगल साफ करने के, तो जंगल साफ करने से हम लोग का मसला हल नहीं होगा। हम लोग को बगान खोल दें, बगान खुला रहने से हम लोग को रोजी रोटी भी होगा और हम लोग का बगान भी साफ रहेगा, हाथी हाथी या शेर या जानवर कोई चीज का डर नहीं रहेगा। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी प्रशासन के आदमी अभी वीडियो साहब आए हुए हैं, तो हमारे महिला कर्मचारी सब जो है वो सब बोल रहे हैं कि ठीक है, वीडियो साहब को बोल रहे हैं कि हम लोग को बगान खोलिए और जंगल कटाइए, तो वीडियो साहब बोल रहे हैं कि हाँ जंगल कटा देंगे, तो जंगल कटाने से हम लोग का उपचार नहीं होगा, मतलब बगान खोलना पड़ेगा। तो वो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो साहब बोल रहे हैं कि नहीं डीएम साहब से मतलब बैठक होगा, तो बैठक तो हम लोग बहुत कर चुके हैं, मतलब ये लगा कि 10-12 बार बैठक हो चुका, लेकिन अभी तक तो बगान खोलने का कोई नाम नहीं हो रहा है। तो सब चाह रहे हैं कि नहीं बगान खोलना पड़ेगा, डीएम साहब आए आके यहाँ पे 5-10 में उनीहरूले मलाई बिचमा एउटा पानी खिलाएको थियो, पानी हामी जुन त यहाँ बसेको थियो गाडी स्ट्याक भएर गर्दाखेरि, त्यही कारण उनीहरूले पानी त गरेको थियो खण्डमा, उनीहरूलाई अलिक एउटा 5 रुपियाँ भने एउटा भए पनि उहाँलाई मैले दियो भने उनीहरू त्राण बच्छ भनेर कालचिनीबाट कहाँबाट कहाँ जानुहुँदैछ तपाईँ? मूर्तिबाट आयो कि हामी एउटा बिहाको प्रोग्राम लिएर यहाँ स्ट्याक भएर त्यहाँ अड्कियो, त्यहाँदेखि यहाँ नानीहरूलाई देखेर माया लागेर जुन यहाँ स्ट्राइक भइरहेको छ नि, यस विषयमा तपाईँ के समर्थन हुनुहुन्छ यहाँ? होइन होइन, यहाँ जो स्ट्राइक गर्नुहुँदैछ उहाँहरूले? म स्ट्राइकमा चाहिँ समर्थन छुइनँ, कुनै पनि स्ट्राइकमा समर्थन छुइनँ। हामी त अब सारा संसार घुम्ने मान्छे हो, कि मैले रोकटोक गरेको स्ट्राइक गरेको राम्रो लाग्यो। কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছেন? থেকে বেরিয়েছি চেন্নাই হোটেল থেকে বেরিয়েছি রাত 3টার সময়। 3টার সময়? কয়টার সময় থেকে এখানে এসেছিল আপনি? আমার উনি 12:30 থেকে 12:30 থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছি। কোথায় বাড়ি আপনাদের? জটেশ্বর। জটেশ্বরে বাড়ি, কালাকাটা জটেশ্বর। এইখানে রোড অবরোধ অবরোধ আর এমন জায়গায় তখন তো প্রথম আমরা বুঝতে পারিনি, গাড়ি ঢুকে গেছে বলতে গাড়িটা ব্যাক করার কোনো উপায় নেই, যে অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে যাব। কখন প্রশাসন কি বলছে? কিছুই বলতে পারছেন না ওনারা। বিডিও সাহেব পারছে না, ওদের যাবি তো ন্যায্য দাবি, 100 বার সমর্থন করি। আজকে বাগানটা বন্ধ, ওদের তো কিছু করে খেতে হবে, হাতির অত্যাচার, ওরা ঘরের থেকে বেরোতে পারছে না, সেটা তো মান্যতা ওনাকে অবশ্যই দিতে হবে। বিডিও সাহেব আসছেন, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে ডেকে আনুন,